हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस चैनल। और एज डिसाइडेड आज हम लोग एक और मेटालिक पजल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यार इसके पहले मैंने एक मेटालिक पजल ऑलरेडी सॉल्व कर दी है, अगर तुमने वो नहीं देखी है ना तो यार जाओ उसको जाके देखो और मेरे व्यूज़ बढ़ाओ। तो यार ये अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये पजल थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास, हालांकि सिमिलर हैं लेकिन दो तरीके हैं। तो यार उसकी तरह इसकी भी आपकी एक बिगिनर पोजीशन होगी, और बिगिनर पोजीशन ये है, इसको ध्यान से देख लो ज़रा। आपके पास दो ये रिंग्स होंगे और दोनों रिंग्स को आपने ऐसे पोजीशन में लाना है, एक की जो साइड होगी पीछे निकली होगी, एक की साइड आगे निकली होगी। तो आपने इन दोनों को ऐसे पकड़ना है, दोनों फोर फिंगर्स होगी, और अब आपने इनको क्रॉस करवाना है। जो आपका राइट वाला होगा वो आपको आगे से क्रॉस करवाना है, और लेफ्ट वाला आपको पीछे से क्रॉस करवाना है। अभी आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, तो वो क्रॉस करवाने के बाद इनको दोबारा पकड़ लियो। अब पकड़ने के बाद जो तुम्हारे पास ये पोजीशन आ जाएगी, तो बेसिकली क्या होता है इन मेटालिक पजल्स में, ये सारी चीज़ें जॉइंट टू जॉइंट निकलती हैं। तो इस बार हमने क्या करना है, जो इन सर्कल्स के जो जॉइंट हैं इनके इस बाहर निकले हुए पार्ट के साथ, हमने उन दोनों पार्ट्स को जॉइन करना है, इन दोनों के जॉइंट्स को हमने जॉइंट करना है कुछ ऐसे, ठीक है। जब ये हो जाएगा ना, जब ये दोनों आपके एक तरीके से लॉक हो जाएंगे, तो आपने करना क्या है, आपने बस सिंपली एक को आगे की तरफ और एक को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। और वो डिसाइड कैसे करना है कि अभी मान लो अभी मेरा राइट वाला पीछे की तरफ है तो मैं उसको पीछे की तरफ ही ट्विस्ट करूँगा, लेफ्ट वाला मेरा आगे की तरफ है, लेफ्ट वाला, तो मैं इसको आगे की तरफ ट्विस्ट करूंगा। आप इसे फिंगर से ऐसे कर सकते हो, सॉरी गलती से निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो आपने एक को पीछे ट्विस्ट करना है और एक को आगे ट्विस्ट करना है। तो राइट वाले को मैं पीछे की ट्विस्ट करूंगा और लेफ्ट वाले को मैं आगे ट्विस्ट करूंगा। तो इस तरफ फिंगर्स का खेल है, हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा अटक जाए, तो इसको थोड़ा सा हिला हुलू के देख लो, कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो वो हमारी फाइनल पोजीशन थी, इसलिए पहले निकल गया था। ये हो गई इसकी सॉल्विंग। तो यार ये तो बात हो गई सॉल्विंग की, अब हम बात करते हैं अनसॉल्विंग की। तो यार इसको डालने के लिए ना, सबसे पहले आप इन दोनों को उठाओ, और अच्छा एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई तो आप इसे हाथों हाथों में कर लोगे। तो अभी के लिए आप इसको उठाओ और आपकी पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। आपने करना क्या है, जो दोनों पार्ट्स इनके बाहर की तरफ निकले हुए हैं उनको इन दोनों के सर्कल्स में डालना है। तो ये कुछ ऐसा सा होगा, एक दूसरे के सर्कल में, और फिर यहाँ पे इसको रख के वापस रिवर्स ट्विस्ट करना है। अब मेरा जो फिलहाल जो लेफ्ट वाला है वो मेरा आगे की तरफ है, और राइट वाला ये वाला जो है ये पीछे की तरफ है। तो मैं इन दोनों को इस बार अपोजिट करूँगा क्योंकि रिवर्स करना है। तो अगर मैं इसको रिवर्स टर्न करूँ, तो अगर आप इसको करने लगोगे तो ये आपका वैसे अटक जाएगा। तो करना क्या है, इसको यहाँ पे रखना है, ट्विस्ट करते हुए आपने इन दोनों की डंडियों को नीचे वाली ओर पास लेकर आना है। इससे आपका ये कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। इसको यहाँ पे रखना है ट्विस्ट होके, और इनके नीचे वाले पार्ट्स को पास ले आओ। तो बस ये आपकी अनसॉल्व हो गए, वापस डल चुके हैं, आप सामने वाले को दिखा सकते हो, निकाल के दिखाओ तो ताकत लगाने से नहीं निकलेंगी। तो ये बात थी जो हमारे पास पहला जो मेथड है ये करने का। एक बार फिर से फर्स्ट मेथड प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपकी बिगिनर पोजीशन ये है,
तो आपने इसको क्रॉस करवाना है राइट वाले आगे से और लेफ्ट वाला पीछे से। ये क्रॉस करवाया और इसके जॉइंट से जॉइंट मिला के ये पोजीशन बना के इसको बस ट्विस्ट कर दिया पीछे वाले को पीछे की तरफ और आगे वाले को आगे की तरफ। अब आप यहीं से कंटिन्यू कर लीजिए दोनों की ये बाहर निकले हुए पार्ट्स को एक दूसरे के सर्कल के अंदर रखना है, ट्विस्ट करना है, जहाँ पे अटक जाओगे वहाँ पे इनकी नीचे वाले पार्ट्स को पास ले आना और ये आपका हो जाएगा। तो ये कुछ स्मूथली जब होएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ। अगर आपको पहला वाला मेथड फ्लुएंटली आ गया है तो ये मेथड आपके लिए बहुत बच्चों का खेल लगेगा। तो इस मेथड को शुरू करने के लिए आपकी स्टार्टिंग की पोजीशन यही रहेगी, बिगिनर पोजीशन आपकी। और यहाँ से करना क्या है, यहाँ से इन दोनों को ऊपर की तरफ से कुछ इस पोजीशन में लेके आना है। मतलब पिछली बार हमारे कुछ जॉइंट्स इस तरफ लगे थे लेकिन इस बार हमने ऐसे करने हैं। और ऐसे करने के बाद ये सिंपली जो आपका अभी राइट वाला जो हाथ है मेरा वो, तो इसमें जो पार्ट है वो आपको सिर्फ आपने उसको सिर्फ ट्विस्ट करना है ऐसे। तो अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाके नीचे रख के ट्विस्ट करो तो ये कुछ यहाँ तक आएगा। और फिर आपने करना क्या है, अभी ये निकला नहीं है तो आपने इसको हल्का सा टिल्ट करके देखना है, इसको थोड़ा सा पुश करोगे नीचे की तरफ तो ये आपका बाहर निकल आएगा। यहाँ तक लाना है और फिर हल्का सा ट्विस्ट करके फिर इसको नीचे की तरफ पुश करना है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ये और फिर आपका ये ऐसे निकल जाएगा। आप वापस डालने के लिए पिछले वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसी मेथड से वापस डालना है तो आप यहाँ से इनको उठाओ वापस, जो ये वाली जो पार्ट है इनके, ये वाले इनके सर्कल में जाने चाहिए, एक दूसरे के क्रॉस होके सर्कल में जाएं। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने अपने राइट वाले और लेफ्ट वाले दोनों ही पार्ट्स को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद ये यहाँ तक जब जहाँ पे आके आपके अटक जाएंगे तो आप इनको हल्का सा मूव करके हल्का सा मूव करके कहीं ना कहीं इसकी फिटिंग आ ही जाती है। और ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। एक बार दोबारा सेकेंड मेथड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन हमारी यहाँ से होगी, इसको ऊपर लेके जाना है, ट्विस्ट, ये निकल आएगा, बाहर निकल गया। अब यहीं से वापस दोनों सर्कल्स के अंदर दोनों ट्विस्ट होंगे और वापस डलेगा। टू माय डियर फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम एंड लाइक कमेंट एंड कमेंट शेयर आल्सो कमेंट एंड लाइक।